Hi everyone, this is me, Monica. आप देख रहे हैं Bollywood Spy and I have with me the one and only, the man who needs no introduction, जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है और जिनके गाने हम गाते रहेंगे जब तक है जान, जब तक है जान, the one and only कुमार सानू जी. Welcome sir. Welcome. Thank you very much. Thank you. Sir, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक हूँ एकदम. तो सर बहुत सारे सवाल है जो आपसे पूछने हैं. तो सबसे पहले तो केदारनाथ भट्टाचार्य से कुमार सानू की जो जर्नी है उसके बारे में हमें बताइए. जर्नी चाहिए आपको? हाँ जी. अपनी जर्नी को, व्हेन यू लुक बैक, हाउ डू यू लुक एट योर जर्नी? एक्चुअली आई वाज अ होटल सिंगर फर्स्ट. होटल में गाया करते थे एंड होटलों में गाते थे एंड बॉम्बे में कई सारे होटलों में मैंने गाना गाया एंड गाना गाते गाते जो पैसा मिलता था उस पैसे से हम सीडी बनाते थे, मतलब कैसेट बनाते थे. उस समय तो कैसेट हुआ करता था, कैसेट बनाते थे स्टूडियो में जाके. ऐसे ही स्टूडियो में जगजीत सिंह जी आ गए वेस्टर्न आउटडोर में. मैं कुछ गाना रिकॉर्ड कर रहा था एंड उस समय जगजीत सिंह जी आए और जगजीत सिंह की गाना आवाज सुन के उन्होंने बोला कि इस लड़के को बुलाओ मेरे पास. तो मैं उनके सामने गया और उन्होंने मेरे को घर में लेके गया, फिर गाना सिखाया एक, फिर उन्होंने फेमस तारदेव में लेके गया, गाना रिकॉर्ड किया. गाना रिकॉर्ड करके फिर उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठा के वो कैसेट लेके कलंजी भाई आनंद जी भाई के घर गया. उन्होंने मेरे इंट्रोड्यूस किया, कलंजी भाई आनंद जी हमको शो में रख लिया. और ये नाम जो है कुमार सानू, ये कलंजी भाई आनंद जी भाई ने दिया. तो केदारनाथ भट्टाचार्य से सानू भट्टाचार्य जी, सानू भट्टाचार्य जी से कुमार सानू, ये कुमार सानू नाम कल्याण जी भाई आनंद जी भाई ने रखा था, उनका ही दिया हुआ नाम है. ओके. तो सर आपने इतने सारे गाने गाए, आपको याद है कितने गाने टोटल गाए, कितनी लैंग्वेजेस में गाए? अबाउट 21,000 सॉन्ग्स प्लस, 21,000 प्लस. ओ वाओ. एंड करीब 26 लैंग्वेजेस में गा चुका हूँ. वाओ. तो सर आपको मतलब ये गाने आप जब किसी और लैंग्वेज में गाते थे तो ये इन लैंग्वेजेस की आपको थॉरल नॉलेज थी या सिर्फ गाना आप उतना सीखते थे ये गाना इस लैंग्वेज में? नहीं, लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये आपका कैपेसिटी कितना है, ऊपर वाला ने ये कुछ दिया हुआ है कि आप गाने का लिरिक्स जब सामने आते हैं तो उसको लिखते हो. हमारे स्टाइल में हम लिखते हैं उसको एंड उसमें जो मेरा जो शॉर्ट हैंड होता है उसके ऊपर, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि आपको किस तरह से उसको स्पेल करना है, किस तरह से प्रोनाउंस करना है. तो उस तरह से प्रोनाउंस करके मैं उस गाने को गा देता हूँ. और जरूरी नहीं कि उसके लिए लैंग्वेज जानना जरूरी है, उसी गाने का मीनिंग को हम समझ लेते हैं और उसमें एक्सप्रेशन देके गाते हैं. ओके. तो सर आपने इतने सारे सॉन्ग्स में प्लेबैक किया है और सबसे ज्यादा कोलैबोरेशन आपकी, आपने हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है और इतने यादगार गाने हमें दिए हैं, तो सबसे ज्यादा गाने आपने गाए हैं नदीम श्रवण जी के साथ, कोई स्पेशल बॉन्ड था इनके साथ या फिर बस ऐसे कोलैबोरेशंस होती गई? नहीं, स्पेशल बॉन्ड तो डेफिनेटली आप कह सकते हो क्योंकि उनका शुरुआती तौर पे, मेरा शुरुआती तौर पे उन्होंने मुझे जिस तरह से म्यूजिक कंपोज करके गाना करते थे तो वो एक बॉन्डिंग के वजह से, क्योंकि वो हमको सोच के गाना बनाते थे एंड वो गाना मैं गाता था तो एक बॉन्डिंग अपने आप में हो गया था. ये मुझे मालूम था कि नदीम जी क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं और नदीम सवन जी, एंड उस हिसाब से हम उसको गा के देते थे. तो बॉन्डिंग तो डेफिनेटली हो गया था. बट बाद में क्या हुआ था, बाद में सारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है उन हर एक का अलग अलग शैली है, हर एक का अलग अलग स्टाइल है, उसको एडप्ट करके हर एक को खुश करना, हर एक म्यूजिक डायरेक्टर को खुश करना, ये हमारा एक जॉब बन गया. ये एक जॉब बन गया था प्रोफेशन में. तो सर आपने नदीम जी के बारे में बताया कि उनके साथ बहुत आप कंफर्टेबल थे और आपको पता लग जाता था कि उनको एग्जैक्टली गाना कैसा चाहिए, तो कोई उनके साथ मिलके आपने जो गाना बनाया जो आपके दिल के बहुत करीब है? उनके साथ गाना तो सारी मेरे दिल के करीब है क्योंकि वो गाना हमारे लिए ही बनाते थे.
एक्सीलेंट गाना। उनके बहुत सारे गाने ऐसा है जो मेरे दिल के करीब है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ हिज म्यूजिक डायरेक्शन एंड देयर म्यूजिक डायरेक्शन। तो कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं बताइए। तो मेरा पर्सनल फेवरेट है लव एंथम ऑफ दिस कंट्री, तुझे देखा तो ये जाना सनम। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां भी जब अपने प्यार का इजहार करेंगी ना, तो अपने आप को राज और सिमरन की जगह खेतों में खड़ा इमेजिन करेंगी और पीछे आपकी आवाज है। मतलब क्या आपने हमें एक याद दी है जिंदगी भर के लिए। ये देखा तो ये जाना सनम गाना नादिम सनम जी का नहीं है, जतिन ललित का है। नादिम सनम के बारे में जब बोल रहे थे तो नादिम सनम के कोई एक गाना पहले हम गा दूं तो बेटर रहेगा, क्योंकि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ये गाना वाओ वाओ, मैं धन्य हो गई। नहीं, एक ए, ए, एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, आज के जो गाने हैं, आज जो हम गाने सुनते हैं, इंटरनेट का जमाना है, कोई गाना इंटरनेट पे 500 मिलियन तक भी हो जाए लेकिन उसकी जो मेमोरी है ना वो शॉर्ट टर्म है, 6 महीने साल के बाद वो गाने निकल जाते हैं जहन से। आज भी जब हम शाम को गलियों में सैर करते हैं तो आपके लता जी के गाने ही हम गुनगुनाते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या ऐसा चेंज हो गया कि आज के गानों में वो बात नहीं है, वो जहन में दिल में बैठने वाली बात नहीं है? ये हमने हमेशा कोशिश किया कि गाने के जरिए लोगों का हार्ट को टच करना। हम दिल से गाते थे, हम कोशिश करते थे कि उनके दिल तक पहुंचे। तो हमारा कोशिश गाने में वही होता था कि अगर उनके दिल को छुआ तो हमारा गाना हिट है और गाना सक्सेस है। तो हमने पूरी जिंदगी हमारा वही किया कि हम दिल से गाए और दिल को टच किया, तभी जाके आज भी वो गाना आप सुनते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि जैसे मैंने बोला कि गाने जो हैं 6 महीने साल के बाद सब भूल जाते हैं जो नए गाने आते हैं, और इसी के चलते अब हर एक पुराने गाने का रीमिक्स आता है, रीप्राइज वर्जन आता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट रीमिक्सेस एंड रीप्राइजेस? देखिए रीमिक्सेस, आई थिंक रीमिक्सेस इज नॉट बैड, रीमिक्स को आप खराब नहीं बोल सकते हो, इसलिए कि पुराने गाने को दोबारा ताजा करते हैं। पुराने गाने को ऐसे जनरेशन है हमारे देश में जो शायद हमें नहीं पहचानते, शायद हमें जानते नहीं है, लेकिन ये रिमिक्स के जरिए वो हमें जान जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है रिमिक्स का, तो मुझे अच्छा लगता है। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट दैट कि रिमिक्स अगर उसका लिरिक्स को चेंज ना करके, उसका खाली अरेंजमेंट को चेंज करके अलग रिदिम से उसको दोबारा अगर रिक्रिएट किया जाए तो दैट इज नॉट एट ऑल बैड, क्योंकि कम से कम न्यू जनरेशन को पता चल जाता है कि भाई ये कौन गाया था, ये गाना किसका गाना है, एंड द ओरिजिनल सिंगर एंड व्हाटएवर इट इज। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जी जी सर, द थिंग इज ना कि ऐसे हम भी 90 किड्स है और आपके गानों के साथ हमारी बड़ी यादें जुड़ी है, तो कई रिमिक्सेस तो सच में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ रिमिक्सेस होते हैं जो दिल तोड़ देते हैं, यार ये मेरे बचपन का गाना था, इस पे मैं नाचती थी, इसका रिमिक्स क्यों निकाला? कभी आपको ऐसा थॉट आया कोई रिमिक्स सुन के कि ये इसका रिमिक्स नहीं बनना चाहिए था? हाँ ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि रिमिक्स वो लोग चूज करके बनाते हैं कौन सा गाना गाने पे, उसको सिचुएशन वाइज चाहिए होता है फिल्म के, तो उस हिसाब से वो बनाते हैं। आई थिंक इसमें ठीक है, वो लोग को मर्जी है वो कौन सा गाने में रिमिक्स करेंगे नहीं करेंगे, वो हम नहीं बोल सकते। जी जी। तो सर जब 80s 90s का दौर था तो सब चीजें बहुत सच्ची होती थी, चाहे वो लाइव ऑर्केस्ट्रा हो, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स थे, है ना। अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो
तब रिकॉर्डिंग्स कैसे होती थी और अब कैसे होती है, और कौन सा दौर आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आप आज भी गाते हो, आप कल भी गाते थे? देखिए डेफिनेटली पहले का दौर अच्छा था, और दौर अच्छा था इसलिए कहूंगा कि पहले के गाना आज भी आप सुनते हो, इसीलिए पहले का दौर अच्छा था। ये तो पहले प्रूव हो ही चुका है जी, पहले जी, के गाने में, सिंगिंग में हम लोगों को लगता है कि इसलिए बेटर होता था क्योंकि एक साथ समझ लीजिए 100 म्यूजिशियंस के साथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें क्या होता था, एक ट्रिमेंडस कॉन्शस होके हम लोगों को गाना पड़ता, तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे दिमाग का कि भाई हमें गलती ना हो, हम अगर एक बार गलती कर दिया तो 100 म्यूजिशियंस जो बैठे हुए हैं ना उनको दोबारा बजाना पड़ेगा, तो वो हमारी तरफ एक बहुत डांटी लूप देते थे, अच्छा तेरे भाई से हम लोगों को दोबारा बजाना पड़ता है, तो ये इसके लिए, हाँ इसके लिए क्या होता था कि एक्स्ट्रा अटेंशन ग्रो करना पड़ता था, और जिसके लिए गाना इतना अच्छा होता था एंड हम दिल से गाते थे एंड कॉन्शस होके गाते थे कि भाई ये गाने में जो जो चीज हमें चाहिए वो हम क्रिएट करें उसी समय, तो एक बहुत सारा सुर कान में आना और सारे लोगों के साथ एक साथ रिकॉर्ड करना, ये बहुत ही खूबसूरत नजारा हुआ करता था। एक जैसे गाना करते टाइम ऐसा लगता था कि हम लोग पिकनिक करने आए, एक पिकनिक माहौल हो जाता था, खाना पीना चल रहा है सब, एक साथ सारे म्यूजिशियंस चलो रिकॉर्ड करेंगे, तो सारे बैठ जाते थे, हाँ फिर हम लोग माइक पे जाके खड़े हो जाते थे, तो हमारा डिस्कशन चलता था। तो अभी का क्या हो गया माहौल, अभी का कौन कब आ रहा है गाना गा के चले जा रहा है, कौन म्यूजिशियन आके बजा के गया, एक जन कोई अलग से बजा के गया, हर एक चीज ट्रैक वाइज हो गया, फैसिलिटीज डेफिनेटली अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो जो फीलिंग्स था ना कि अलका जी मैं साथ में खड़े होके गाएंगे, या कविता जी मैं साथ में, लता जी मैं साथ में, आशा जी मैं साथ में खड़े होके गाना, और एक दूसरे का एक दूसरे से बेटर करना, क्या कर रहा है उससे बेटर हम करेंगे, ये जो कंपटीशन सामने खड़े होके होता था उसकी वजह से आप आज भी वो गाना सुनते हो, आज आपको लगता है कि वो गाना फिर से सुनूं, फिर से सुनूं, फिर से सुनूं। हर कोई सिंगर बन रहा है, ऑटो ट्यून यूज कर रहा है, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छा है कि अगर अच्छे सिंगर के साथ टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाए तो ये बहुत अच्छा फल देता है, एंड टेक्नोलॉजी के साथ अगर कोई नॉन सिंगर को अगर अटैच किया जाए तो उसका असर बुरा पड़ता है, एंड ऑटो ट्यून वाला जो मामला है ये टेक्नोलॉजी हम क्यों नहीं करें, अगर सिंगर को थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो 100% करने के लिए ऑटो ट्यून या पिचिंग या जो मेलोडाइन वगैरह आजकल नया निकला, तो ये सब जो चीजें हैं ये करना जरूरी है, लेकिन आई थिंक एक नॉन सिंगर को आप अगर ऑटो ट्यून के जरिए आप थोड़ा बहुत ट्यून में लाके उसको आप हैमर करते रहो तो दैट इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी, नॉट गुड फॉर आवर म्यूजिक इंडस्ट्री ऑल्सो, तो आई थिंक टेक्नोलॉजी डेफिनेटली आना चाहिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ना चाहिए आगे, बट क्या गुड म्यूजिक के साथ गुड सिंगर्स के साथ अगर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करोगे तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा। अच्छा सर, अभी सोशल मीडिया आ गया, आप भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, पिछले दिनों आप वैक्सीनेशन करवा के आए हैं, तो मुझे बताइए सोशल मीडिया के आने से म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे चेंज हुई है? जैसे ओवरनाइट फेम मिल जाती है लोगों को, आपको अगर याद हो रानू मॉन्डल करके एक सिंगर थी जो ओवरनाइट फेमस हो गई, एक रियलिटी शो पे आई लेकिन फिर वो गायब हो गए, तो व्हाट डू यू थिंक सोशल मीडिया से कैसे चीजें बदली है? तो आप खुद ही आपका क्वेश्चन में आंसर था कि सोशल मीडिया में फटक से आया और फटक से गायब हो गया तो आपके क्वेश्चन के अंदर ही आंसर था, तो सोशल मीडिया में जितना जल्दी पॉपुलर होता है उतना जल्दी गायब भी हो जाता है, बेसिक चीज में वर्कआउट नहीं होता है सोशल मीडिया, तो कोई भी हम अपना गाना बना के अपना खुद उसको सोशल मीडिया में छोड़ सकते हैं, लेकिन बात वो नहीं है, बात व्यूज की भी नहीं है, व्यूज तो किस तरह से होता है आप भी जानते हो, हम सबको ही जानते हैं कि व्यूज बढ़ाने बहुत बड़ी काम नहीं है व्यूज बढ़ाना, लेकिन क्या है कि फिल्म म्यूजिक से होके सोशल मीडिया में अगर जाए तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, और अगर पर्सनली यूट्यूब में जाए उसका इफेक्ट कम होता है, तो उसमें टिके रहने के लिए आपके पास क्वालिटी, देखिए क्वालिटी तो होना बहुत जरूरी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो फिल्म हो, क्वालिटी अगर आपके पास है सोशल मीडिया में भी कभी कभी
लोग नाम कर जाते हैं जी 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 आपके पास क्वालिटी है तो दैट इज द मेन थिंग सो इट डिपेंड्स ऑन सिंगर राइट तो सर क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं तो आजकल रियलिटी शोज का बहुत दौर है अभी आप पीछे इंडियन आइडल 12 में होके आए थे तो सर जब हम एज ऑडियंस कोई रियलिटी शो देखते हैं हम अपने फेवरेट कंटेस्टेंट बनाते हैं उनको वोट करते हैं लेकिन लाइव स्टूडियो से ये लोग प्लेबैक स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाते क्या आपको लगता है रीजन की इतनी एप्रिसिएशन के बाद भी ये जो सिंगर्स है वो प्लेबैक तक नहीं आ पाते देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो आप रियलिटी शो में गाना सुन रहे हैं वो गाना ये लोग हमारा गाना गाते हैं है ना जी 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 गाना नहीं उसका गाना नहीं गाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि यह हमारे गाने में हमारे जैसा सब कुछ वो दे रहे हैं खुद का गाने में वो क्या दे सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है इनपुट उसका क्या होगा तो क्या है हमारा एक्सप्रेशन हमारा थ्रोइंग हमारा स्टाइल ऑफ सिंगिंग वो एडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आई थिंक इसीलिए वो जिस सिंगर को फॉलो करके जिसका गाना गाते हैं तो उसी पे अटक के रह जाते हैं सबसे बढ़िया तो उसी में ही अटक जाते हैं तो जैसे सोनू का कोई फैन है सोनू का गाना गाते हैं या मेरा कोई फैन है मेरा गाना गाते हैं तो अगर उसमें अटक के रह जाएंगे तो फिर हम जिंदा है सोनू जिंदा है तो हमें छोड़ के उसको क्यों गवाएंगे पहली बात तो ये है ना तो इसीलिए क्या होता है कि उसका अपना आइडेंटिटी एक जो अगर बनाना चाहे अपना स्टाइल में वो बात अलग बनती है अभी अभी समझ लीजिए ये लोग क्या है बच्चे लोग हम लोगों को फॉलो करते हैं लेकिन फॉलो करके हमें अटक नहीं जाना चाहिए उसको खुद का भी क्रिएशन होना चाहिए तो दैट विल हेल्प जी 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 तो सर इंडियन आइडल 12 में आप गए थे आपने इतनी सारी लाइव परफॉर्मेंसेस देखी आपको कोई कोई ऐसी परफॉर्मेंस थी जो वहां से आने के बाद भी आपके जहन में रही हो और आपको लगा कि ये बंदा प्लेबैक में आ सकता है नहीं ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि सब हमारे ही गाने गाए हम लोगों का ही गाना उनमें से कुछ सिंगर बहुत हुबहू किया कुछ सिंगर ने बहुत सुर में गाए कुछ सिंगर अभी किसी को आप बता नहीं सकते कि ये जाएगा ही जाएगा ऐसा करके आप बता नहीं सकते जैसे कि लेडी सिंगर में भी दो तीन सिंगर थे उसका नाम क्या अरुणिता हाँ प्रिया तो ये दोनों का आप बोल सकते हैं कि दोनों में बहुत पोटेंशियल किया है बट किसी ने श्रेया जी को फॉलो कर रहे है किसी ने अलका जी को फॉलो कर रहे है तो ये जो फॉलो करने से नहीं होगा उसका अपना क्रिएशन कुछ देखिए हर एक जो सिंगर्स है इसका प्लेटफॉर्म मिल गया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया और सबसे बड़ी बात है इनके गले में सुर है इनके गले में बहुत सुर है देयर करेक्ट देयर इन देयर पीच तो पीच पे ये करेक्ट है सुर बहुत जबरदस्त है सिंगिंग हम जो गा रहे हैं उसको कर रहा है लेकिन वो जब अपना गाने में उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तब पता चलेगा कि वो कितना कैपेबिलिटी उसके अंदर है कि वो खुद के गाने में क्या इनपुट दे रहे हैं दैट इज द मेन थिंग राइट अच्छा तो सर आज के दौर में आज के टाइम पे जो यंग सिंगर्स है इंडस्ट्री में आपका पर्सनल फेवरेट कौन है डेफिनेटली अरिजीत सिंह के पास बहुत कैपेबिलिटी है एंड ही कैन सिंग ऑल टाइप ऑफ सॉन्ग्स जी 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 तो सर क्या लगता है अरिजीत सिंह फेम गुरुकुल रियलिटी शो था एक उसमें आए थे और छठे नंबर पे रहे वो जीते नहीं लेकिन आज के टाइम पे आप बैठ के कह रहे हैं कि अरिजीत सिंह आपके फेवरेट सिंगर हैं तो ऐसा अरिजीत सिंह में क्या ऐसी चीज है जो आप जो लोग आज के एस्पिरेंट हैं जो आज के टाइम पे सिंगर्स बनना चाहते हैं आप उनको एक एडवाइस देना चाहो कि हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अरिजीत ने दूसरे का गाना गा के आए लेकिन वो जब खुद को चांस मिला तो वो अपना पहचान बनाने के लिए अपना एक स्टाइल को इम्प्लीमेंट किया एक स्टाइल को डेवलप किया अपना स्टाइल जो अपना स्टाइल वो डेवलप किया उस डेवलप वाला स्टाइल जो है वो पब्लिक को पसंद आया और पब्लिकली वो छा गया तो ये अपनापन जो है वो रियलिटी शोज में जब स्टेज पे गाते थे तब ऐसा नहीं गाते थे आज जो गा रहे हैं वो क्योंकि वो अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए वो अपना जो खुद का जो इनपुट है गाने में वो उसका कोशिश किया उसको डेवलप किया
तब जाके वो रियलिटी सिंगर से, रियलिटी शो से आके भी अपना पहचान बना पाए। इससे पहले भी एक दो ने बनाया, जैसे श्रेया ने बनाया, श्रेया भी लता जी को फॉलो करते थे। बट क्या है कि अपना एक अलग सा पहचान बनाने के लिए आपको अपने आपने कुछ इनपुट देना पड़ेगा, अपना स्टाइल को, एक नया स्टाइल को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा पब्लिक में। एस्टेब्लिश करने के लिए आपको उस चीज को बार बार अपना स्टाइल को बताना पड़ेगा। तो इन लोगों ने ये सब किए, इसकी वजह से ये आ गया और सक्सेस भी हुआ। जी 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 जी। तो सर एक और चीज जो ऑडियंस जानना चाहती है वो ये कि लाइव सिंगिंग में और प्लेबैक में कितना फर्क है। डेफिनेटली लाइव सिंगिंग में क्या होता है कि आपको इंस्टेंट अप्लॉज मिलता है, तो वो बहुत ही हम लोगों के लिए दवाई की तरह काम होता है। और प्लेबैक सिंगिंग में क्या होता है कि हम गाना गा दिया, उसके 3 महीना 6 महीना इंतजार करना पड़ता है कि वो ना मार्केट में जाएगा, आपकी पब्लिक पसंद करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो। बट लाइव शो में क्या होता है कि आप जैसे ही लाइन गाया तो तुरंत पब्लिक का अप्लॉज जो आता है, इंस्टेंट अप्लॉज आता है। तो डेफिनेटली हम लोग सब लाइव शो का ज्यादा पसंद करते हैं। जी जी जी। तो सर आपने एक ब्रेक लिया काफी लंबा प्लेबैक पे, फिर सनम तेरी कसम, राउडी राठौर, इसमें अच्छे अच्छे दम लगा के हैशा में आपका गाना था प्रेम की भाषा। तो सर मैं जानना चाहती हूँ पर्सनली, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर, कि वापस हमें रेगुलर बेसिस पे प्लेबैक में आपकी आवाज कब सुनने को मिलेगी, है कोई प्लान्स? नया प्लान देखिए, ऐसा सिंगल्स तो आपको आती रहेगा, क्या अभी देखा आपने वो जाना करके, वो जाना जी 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 जी, बहुत प्यारा गाना, बहुत बहुत प्यार किया लोगों ने उस गाने को जी। इस तरह से गाना हर महीना रिलीज होता रहेगा। अभी प्लेबैक के लिए भी बहुत सारे कमिटमेंट मेरा है जो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, आपको सुनाई देगा मैक्सिमम। उसमें क्या है कि कुछ रीमेक है, कुछ रीमेक है और कुछ ओरिजिनल सॉन्ग है। जैसे कि हम आपको कुछ दिन में ही पता चल जाएगा कि कुछ कुछ गाने और आ रहे हैं। अभी हर मंथ आपको कोई ना कोई गाना नया मिलता रहेगा। जी 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 जी। और बहुत ओ जाना का मुझे वीडियो बहुत पसंद आया, गाना बहुत प्यारा, बहुत थॉटफुल लिरिक्स है उसके। तो मैं आपके इंटरव्यू से पहले वो गाना सुन रही थी क्योंकि मुझे पूरा उस जोन में जाना था कि मैं आज इनसे रूबरू होने वाली हूँ। तो सर बहुत सारी आपने हमें चीजें बताई सिंगिंग के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने थॉट्स। तो बिफोर यू गो, बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू, मेरे लिए मेरा फेवरेट गाना प्लीज एक बार गा दीजिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ठीक है, वाओ वाओ, थैंक यू सो मच सर। आई फील लाइक द लकीएस्ट गर्ल ऑन दिस वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, बिकॉज मेरा फेवरेट गाना मेरे फेवरेट सिंगर मेरे लिए गा रहे हैं अभी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और आप बॉलीवुड स्पाई पे आए। हम फिर से आपसे रूबरू होंगे बहुत जल्द, एंड ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू।